नमस्ते सभी को। हम लोग कल अभ्यास एक के स्टेप थ्री पर डिस्कशन कर रहे थे, तो अभी सुबह के सत्र में हम यूएचपी थ्री के कंटेंट को क्रमशः समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसके साथ ही स्वयं को देखने का भी अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास एक में मूल रूप से स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, अर्थात चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। तो चैतन्य के बारे में जो प्रपोजल्स मिल रहे हैं उसका हम विश्लेषण भी कर रहे हैं, उसके आधार पर हम जीने का चित्रण भी कर रहे हैं और साथ ही साथ चैतन्य को जैसा है वैसा देखने का अभ्यास कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने इस बात से की कि अपने भाव को देखें और अपने को ये समझ में आता है कि ज्ञान की जो शुरुआत है वो भाव में परिमार्जन से ही है, तो चिंतन में सही भाव स्थापित हो जाए, यहीं से मेरे ज्ञान की शुरुआत है। तो हम लोगों ने स्टेप वन पे अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, बिना उसको रोके, बिना बदले, बिना कोई प्रतिक्रिया किए जैसा है वैसा देखने का अभ्यास किया और इस भाव के साथ पूरी कल्पनाशीलता को देखने का अभ्यास किया। अगर भाव शुरू में नहीं दिख रहा था तो उसको पहले विचार को देखा और विचार से फिर निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर भाव क्या है, बट अल्टीमेटली हमने अभ्यास में जो स्टेप वन में काम किया पूरी कल्पनाशीलता को देखने का, और उसमें भी इच्छा विचार आशा यानी भाव विचार आशा को भी हम लोगों ने अलग अलग करके देखने का प्रयास किया। और ये एक अभ्यास है जिसको स्वयं में बनाए रखना है। स्टेप वन में हमने कोई मूल्यांकन नहीं किया, स्टेप टू में हमने मूल्यांकन करके देखा कि जो मेरा भाव है मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, वो मानवीय स्वभाव का अनुरूप है कि नहीं, मैं उसकी निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं, इसी को लेकर हमें कल असाइनमेंट भी मिला। तो स्टेप टू में देखा, अब स्टेप थ्री में उसके साथ अपनी स्थिति को देख रहे, मेरी स्थिति इसमें सुखद है कि नहीं, मैं आराम में हूँ या परेशान हूँ, इस बात को हमने अपने आप में देखने का अभ्यास किया। तो अपने स्थिति का स्व मूल्यांकन करते हुए हम देख सकते हैं कि हमारे में जो भाव रहता है उसके आधार पर हमारे सुख दुख का निर्णय हो। तो हमारे में जो सुख या दुख है वो हमारे भाव में है, विचार में है, और भाव ही हमारे विचार को तय कर रहा है, इसलिए इसको देख पाना, इसका मूल्यांकन कर पाना अपने लिए महत्वपूर्ण कार्य है, यूं कहें तो अनिवार्य है, इससे कम में आगे गति नहीं हो पाएगी। यदि मेरा भाव मुझे सहज स्वीकार है तो मैं संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, और यदि मेरा भाव मुझे सहज स्वीकार नहीं है तो अंतर विरोध में रहता हूँ, दुखी रहता हूँ। सहज भाव के साथ मैं सुखी रहता हूँ, असहज भाव के साथ मैं दुखी रहता हूँ। हमें इस अभ्यास को करना है, हर क्षण अपने आप में देखते रहना है। तो जो बात हो रही कि मैं और मेरा भाव है ना, इसके साथ हम अगर सजगता को बनाए रखते हैं तो इससे काफी गति मिलेगी। इससे एक और बात होगी, ये जो विचारों का बोझ है, जो विचारों में उलझन द्वंद अंतर विरोध को लेकर या अनावश्यक विश्लेषण को लेकर हम बहुत सारा जो समय लगाते हैं, फिर उसका सुख दुख भोग के रहते हैं, है ना, उससे हम निकल पाते हैं, हमारे अंदर एक स्थिरता आती है, भाव में एक स्थिरता आती है, निश्चितता आती है। ये काम अपने को करना है, सजग करते रहना है। तो कुछ उदाहरण यहाँ रखे गए, इसे मान लीजिए कि आप एक वातानुकूलित कमरे में बैठे हैं 21 डिग्री तापमान में, शारीरिक स्तर पर यह बहुत ही आरामदेह स्थिति है। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जिसके प्रति आप में विरोध का भाव है, तो इस भाव के साथ आप स्वयं में आराम में रहते हैं या परेशान रहते हैं, संगीत में रहते हैं या अंतर विरोध में रहते हैं, सुखी रहते हैं या दुखी रहते हैं। यदि प्रारंभ में आप अपनी कल्पनाशीलता को उस क्षण नहीं देख पाते हैं जब ये घटना घट रही होती है, अभी आप में योग्यता विकसित न हुई है, इस स्थिति में आप उस घटना के बारे में अगर बाद में विचार करके विश्लेषण करके अपने भाव को समझ सकते हैं, एक बार आप कल्पनाशीलता को सीधे सीधे देखने की योग्यता विकसित कर लेंगे तब आप अपनी कल्पनाशीलता के पीछे उस भाव को भी देख पाएंगे, उस समय भी देख पाएंगे, है ना, जिस क्षण ये भाव आपके अंदर बन रहा है जब ये घटना घट रही होगी। तो यूं कहें कि इस पे तो हम लोगों ने कई प्रकार से चर्चा भी की कि बाहर भले ही एक अनुकूल वातावरण हम बना लें, 21 डिग्री तापमान पे एसी चल रहा हो, सोफे पे बैठे हैं और सोफा बहुत मुलायम हो कि नहीं, पूरे कमरे में परफ्यूम फैला हुआ हो, बट फिर भी अगर हमारे अंदर विरोध का भाव बनता है तो हमारी स्थिति सुखद नहीं रहती, हम आराम में नहीं होते हैं। इसको हम उस क्षण में देख सकते हैं, अगर उस क्षण नहीं देख पा रहे तो हम बाद में भी लौट के देख सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। इस बात को हम अपने आप में ऑब्जर्व करें ना, ये स्थिति हमारे साथ ही बनती है क्या,
तो क्या होता है, कई बार हम अपनी स्थिति को सुखद बनाने के लिए, आराम में आने के लिए बाहर सुविधाओं को लेकर बहुत सारा काम करते हैं। वैसे देखें तो अनुकूल संवेदना के लिए हम बहुत सारा मेहनत कर ही रहे हैं। एक बार हमको दिख जाए कि मेरा सुख अनुकूल संवेदना से नहीं सुनिश्चित होने वाला है, मेरा जो सुख है वो मेरे समझ और भाव से सुनिश्चित होने वाला है, उस पर काम करेंगे। नमस्ते भैया जी। जी, जैसा कि अभी उदाहरण एक बताया गया है कि एक एसी कमरे में बैठे हैं, तो जब तक मैं अकेला हूँ तब तक तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति हमारे मन में अंतर विरोध चल रहा है, विरोध का भाव है, वो अगर साथ में बैठता है तो ये सहज स्थिति नहीं है। विरोध का भाव तो बना रहेगा और उसके प्रति एक गुस्सा है मन में, वो बना रहेगा। जब गुस्सा बना रहेगा हो सकता है कि उसकी वजह से मैं कुछ गलत बातें करूं, उससे झगड़े करूं, तो ये तो अंतर विरोध रहेगा ही। और अगर वो चला जाता है, उसके बारे में अगर मैं सोचता हूँ कि वो सच में गलत है या सही था, तो ये जो निर्णय लेने की जो क्षमता मेरे अंदर जब आ जाएगी तो शायद ये परिस्थिति दूर हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। जी, एक बात है। दूसरी बात कि अगर वह व्यक्ति नहीं भी बैठे हुए सामने, बट आपके अंदर उस व्यक्ति को लेकर विचार चल रहा है, आपके अंदर विरोध का भाव बना हुआ है, तो जी, भी आराम में नहीं रहेंगे, तो भी परेशान रहेंगे। तो तो ये दिखते अपने को कि मेरे दुख का कारण बाहर नहीं, मेरा अंदर। स्वयं का ही भाव है। तो जी जी व्यक्ति सामने बैठा है ना, और उसके प्रति जी मेरे अंदर विरोध का भाव चल रहा है, विरोध का विचार चल रहा है, तो भी मैं दुखी हूँ। सामने नहीं है तो भी मैं नहीं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसके बारे में विचार कर रहा हूँ। और तो यदि उसी व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर संबंध का भाव हो जाए और वो सामने बैठा हुआ हो, तो भी मैं दुखी परेशान नहीं होऊंगा। लेकिन जी बहुत बार क्या होता है, जैसे घरेलू झगड़े चलते हैं, दो भाई है, ऐसे कुछ झगड़े चलते रहते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। ये चीजें तो समाज में बढ़ ही रही है कि भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, सिस्टर सिस्टर में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, पिता और पुत्र में झगड़े हो रहे हैं, पिता पुत्री में हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बना हुआ है और ये चीजें बढ़ती जा रही है और प्रॉब्लम तो बढ़ जी, ही जो रही है। दिमाग में चल रहा है ना, हाँ उसको अभी जी बाद में विश्लेषित करेंगे, बट अभी हम स्वयं जी में जी देखें कि जी जी मेरे अंदर भी कहीं ऐसा भाव बना हुआ है क्या, विरोध का भाव बना हुआ है क्या, है ना। विरोध तो का भाव जितने तो झगड़े बना ही हुए रहता हैं, है। अगर किसी को हम लाइक नहीं करते हैं, कुछ पहले झगड़े हुए हैं, वो व्यक्ति अगर सामने आता है या नहीं भी आता है, कभी कभी उसके बाद भी निकलती है, तो एक गुस्सा आता ही है मन में कि वो आदमी की वजह से मैं परेशान हूँ, ऐसा भी लगता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी गलती न भी हो, उसके बारे में कुछ गलत चीजें बताई गई हो, उसको लेके भी लोग गलत धारणा बना लेते हैं, ऐसा भी लगता जी, तो अगर हमको अपने आप में दिखता है कि उसके प्रति विरोध का भाव है, तो मैं देख सकता हूँ हमारी स्थिति तो सुखद नहीं है। फिर वो नहीं विरोध है का भाव ना हो, संबंध का भाव हो, इस जी। स्थिति में आने के लिए हम काम करेंगे। जी 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 प्रयास करेंगे जी और ये चीजों को रेगुलर निर्णय लेके देखना पड़ेगा हमको कि ये सच में ये जो चीजें हैं अंतर विरोध कर रही है, तो ये समस्या है एक तरह से, तो ये समस्या अंदर से ही सुलझा सकते हैं इस। उसके लिए ही काम कर रहे हैं। जो अभ्यास जी लेकर जी अपने आप भैया को जी सही होने का काम कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, इसी बात के लिए है कि मेरे भाव में परिमार्जन हो जाए। जी जी बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद बहुत भैया। अच्छी बात। जी नमस्ते। जो परसों की घटना से मैंने अपने आप को अवगत करा कि सेल्फ को पहले तो हमें फिल्टर करना है, और फिल्टर करके सेल्फ को प्योर करना है। अगर प्योर कर रहे हैं तो व्यवस्था बनाते हुए संबंधों में, तो सहज स्वीकृति से हम बिल्कुल हार्मनी में और हैप्पीनेस को अचीव कर सकते। पर वो मैंने प्रैक्टिस करा, पर एक दिन 2 दिन छोड़ के जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ ऑफिस में, तो उससे मैंने बहुत ज्यादा ऐसे लगा कि शायद मेरे पास यूएचवी ने एक फिल्टर दे दिया, उससे मैं अपने आप को प्योर कर रही हूँ, और ये एक प्योरीफाई का वर्क कर रहा है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि संबंधों में व्यवस्था बनाए रखते हुए और हमें सह स्वीकृति से कैसे हमें हार्मनी में अपने आप को लाना है। और फिजिकल फैसिलिटी की जहां तक बात है, वो तो सर मेरे से तो मैं कभी पैसे को कभी मैंने दी नहीं अहमियत, और ना फिजिकल फैसिलिटी। मैं छोटा सा घर है, बस उसी में ही मैं बहुत खुश हूँ।
जहां तक मेरे को ऐसे लगा, मेरे को अपने में काम करने की बहुत जरूरत है, सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरत है, तो वो काम तो UHV कर ही रहा है। जी, इसको आप स्वयं में ऑब्जर्व करते रहें, है ना, इस पे अपने ऊपर जी काम जी करते रहें। जी सर, बढ़िया। पर आपने जो परसों मेरे को वो सोल्यूशन बताया ना उस प्रॉब्लम का, कि पहले संबंधों में व्यवस्था बनाने के लिए कैसे भाव भाव भी स्पष्ट होना चाहिए, तो उससे मेरे को बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम करने पर ना बहुत कॉन्फिडेंस आया, तो उसके लिए थैंक्स सर। ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सारी सॉल्व हो रही है। भैया नमस्ते, सबको नमस्ते। भैया नमस्ते। एक घटना है, उस घटना पे एक भाव जो मेरे अंदर है उसको मैं समझना चाहता हूँ। तो घटना कुछ इस तरीके से है कि जो कल शाम को घटी मेरे साथ, तो जहाँ मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ वहाँ नीचे का मकान है बिल्कुल, तो लोग क्या करते हैं, कुत्ता कराने लगते हैं, फोटो करा देते हैं। तो मेरे मकान के सामने करा रहे थे, तो मैं उसमें कोई भाव नहीं अभी था। हम ऐसा करेंगे प्रभात सर कि हाँ इन सब चीजों को हम स्वयं में विश्लेषित कर लें, है ना, परंतु हाँ यदि भाव बिल्कुल, को लेकर यदि कोई स्पष्टता न बन रही तो उसको लेकर प्रश्न कर लें। क्योंकि तो देखिए, अब हाँ हम लोग तो अपने स्वयं में भी बहुत सारी चीजों को आर्टिकुलेट कर लेके एक तरह से अपने में बारीकी को विकसित करना है, ताकि इन हाँ घटनाओं के साथ हम अपना विश्लेषण करके अगर कहीं भाव को लेकर यदि कोई शंका बन जाती है, कोई प्रश्न बन जाता है, उसको हम जरूर हाँ तो वो भाव को लेके ये है कि भाव तो उस समय पता ही नहीं चला क्या भाव है, लेकिन बाद में जब मैंने इसको रियलाइज किया तो मेरा भाव विरोध का था, लेकिन फिर बाद में मैंने ये सोचा कि योग्यता में कमी है, चलो मिलके बैठे बात करेंगे, तो क्या ये डायरेक्शन ठीक है, मतलब फिर ये विरोध नहीं आया उनके उनको लेके। हाँ हाँ, अच्छी बात है, विरोध नहीं आया। और अगर हमको लगता है कि योग्यता में कमी है तो फिर योग्यता को बढ़ाने के लिए हम विचार करेंगे, उसके लिए हम निर्णय लेंगे कि कैसे अगले व्यक्ति की योग्यता को बढ़ाना है। जी, बस यही मेरे को कंफर्म करना था कि ये सही डायरेक्शन में है या नहीं, नहीं तो पहले तो मैं विरोध से बढ़िया भर जाता था। भैया। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। जी नमस्ते। भैया, ये देख रहे हैं कि हमारे में, मतलब मैं अपना बोलूँ तो संबंध का भाव भी है और विरोध का भाव भी। ऐसा नहीं है कि केवल संबंध का भाव ही है, लेकिन मैं कह रही थी भैया, संबंध का भाव और विरोध का भाव दोनों भाव बने हुए हैं। और भैया देख, पकड़ में ना मैं देखती हूँ विरोध का भाव पहले आ रहा है। तो जैसे पहले मैं ये था कि हाँ किसी घटना में बह जाती थी, अब ये घटना में बहती नहीं हूँ, तुरंत उस घटना के पीछे क्या भाव है पकड़ में आ जाता है और सेल्फ एक्सप्लोरेशन चलता है और देखता है कि हाँ भाई, जिसके लिए मैं विरोध का भाव बनाए हुए हूँ उसमें शायद कॉम्पिटेंस की कमी थी, इस करके उसने ऐसा किया था, तो फिर मैं सहज हो जाती, नहीं तो पहले जैसे घंटों सहज की स्थिति बनी रहती थी। और ये कहती, मेरा सवाल ये था कि विरोध का भाव भैया पहले पकड़ में आ रहा है, और संबंध का भाव जब चल रहा भी होता है तो भैया पकड़ में विरोध का भाव भी पहले आ रहा है, ऐसा क्यों भैया? जी, तो ऐसा हो सकता है कि काफी समय तक विरोध का भाव बना रह रहा है, इसलिए पकड़ में आ रहा है। संबंध के भाव को भी देखेंगे, विरोध के भाव को भी देखेंगे, और जहां कहीं विरोध का भाव दिख रहा है वहां संबंध का भाव किस प्रकार हो उसके लिए फिर निर्णय लेंगे, फिर अपना विश्लेषण करेंगे, भाव का मूल्यांकन करेंगे, फिर जो भाव है, जो सहज स्वीकृत भाव है, उनको समझने का भी काम करेंगे। तो ऑलरेडी जो आप बता रही है कि अब तो पहले से बेहतर स्थिति बनती जा रही है, परंतु विरोध का भाव अगर दिख रहा है तो उसको रिजॉल्व करेंगे, है ना। ये अच्छी बात है, कम से कम अवेयरनेस तो बन रही है। पहले जहां उसी विरोध के भाव के साथ विचार करते थे, घंटों घंटों निर्वाह भी कर डालते थे, अब उसके पहले ही हम रुक जा रहे हैं, कम से कम अवेयर हो जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर विरोध का भाव दिख रहा है तो उसको रिजॉल्व करेंगे, उसको उसके विकल्प पे काम करेंगे कि संबंध का भाव क्या हो, और कहीं संबंध का भाव भी दिख रहा है तो वहां पे भी हम उस भाव को बारीकी से देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संबंध के भाव के साथ, अभी तो संबंध का भाव है और हमने दूसरे व्यक्ति का अधिमूल्यन शुरू कर दिया और फिर हम किसी दूसरे प्रकार से आवेश में आ गए। तो एक तरह का आवेश हमारे अंदर होता है जब विरोध का भाव बनता है, एक दूसरे तरह का आवेश होता है जब हमारे अंदर दूसरे के प्रति अधिमूल्यन का भाव हो जाता है। तो शुरू में तो संबंध का भाव लगता है, परंतु अधिमूल्यन में जाकर फिर हम वहां पे भी फंस जाते हैं, ये भी एक संभावना है। तो इन दोनों स्थितियों को ऑब्जर्व करेंगे। हाँ जी भैया, तो पूछनी थी कि जैसे जैसे मतलब कल्पनाशीलता तो हमेशा चल रही है अपनी, और जब हमारा ध्यान जाता है कल्पनाशीलता की तरफ तब तो देख पकड़ ही लेते हैं हम हमारा भाव क्या है। पर भैया जब हमारा ध्यान वहां नहीं होता है कल्पनाशीलता की तरफ, तभी भैया निर्वाह तो उसी कल्पनाशीलता के अकॉर्डिंग हम कर रहे होते हैं ना,
मतलब जैसे अगर उसकी तरफ अवेयरनेस नहीं है हमारी, मान लो है ना भैया, हाँ तो हम अवेयर हो या अनअवेयर हो, जो हमारा व्यवहार होगा तो कल्पनाशीलता से ही तय होगा। हाँ जी, और जब हम अवेयर हो जाते हैं तो हमारा वो व्यवहार वहां पर हम सही कर लेते हैं, है ना भैया, और जब जी अवेयर नहीं जी होते तो जाने जाने में गलत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया थैंक यू भैया। बढ़िया दीदी। अच्छा भैया, भैया एक चीज और की जो भैया घटना होती है कोई, वो विचार है भैया, जो घटना चल रही है मान लो, तो वो विचार होता है भैया? घटना तो बाहर घटित हो रही है और उसका हमने आस्वादन किया, हमको उसकी सूचना मिली, अब उसको लेकर हम विचार कर रहे होते हैं। जो विचार कर रहे होते हैं वहां पे हमारा कुछ भाव भी शामिल होता है, तो पहले से हमारे संस्कारों में कुछ भाव बने हुए ट्रिगर हो जाते हैं, तो उस भाव के साथ हम उसे विचार कर रहे होते हैं, तो ऐसा रहता है। बाहर कोई घटना हुई, उसकी सूचना मुझे मिली संवेदना के माध्यम से, उसका मैंने कुछ आस्वादन किया, अब मेरे अंदर पहले से ही कई सारे भाव बने हुए मेरे संस्कारों के आधार पर, उनमें से कोई भाव ट्रिगर हो जाता है, फिर उसके साथ मैं उस पर विचार करने लगता हूँ। तो बाहर से सूचना आई, अपने अंदर संस्कार बैठा हुआ है, संस्कार से कोई भाव निर्मित हुआ और उस घटना से उस भाव को जोड़कर मैं विचार कर रहा हूँ, ऐसा रहता है। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया। तो गृह कार्य के रूप में यह है कि जब भी आप किसी से व्यवहार कर रहे हो तो आप देखें आपका इस समय भाव क्या है, क्या यह भाव आपको सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, क्या आप इसी निरंतरता चाहते हैं कि नहीं, इस समय आपकी स्थिति कैसी है, आराम में है या परेशान है। दिन भर में जितनी बार भी आपका व्यवहार हुआ इसे देखें कि आप कब परेशान होते हैं कब आराम में होते हैं, आपका भाव कैसे बदलता रहता है, और व्यवहार के बाद भी जब उस व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं तो भी आप अपने भाव को देखें कि जब जब उससे विचार कर रहे हैं तो आपका भाव कैसा रहता है। तो यह गृह कार्य तो हम लोग करते ही रहे हैं, है ना, इसको और हम आगे बनाए रखें। तो स्टेप 3 में यह गृह कार्य है कि हम अपनी स्थिति को देखें, उसका मूल्यांकन करें, और इसको हम लोग हर 4 घंटे बैठ के एक बार उस क्षण भी देख लें और पिछले 4 घंटे में जो कुछ घटित हुआ उसको भी देख लें। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हो सकता है पिछले 4 घंटों में या पिछले दिन कोई ऐसी घटना हुई जो आपके लिए अप्रिय रही, ठीक नहीं हुआ, और उसको लेकर आपके अंदर कोई भाव बना आपके संस्कारों से जुड़कर, और उसको लेकर अभी कल्पनाशीलता चल रही है ना, लौट लौट कर आप उसी कल्पनाशीलता में जा रहे हैं और आपकी स्थिति सुखद नहीं है और आप बहुत सारा हरकत भी कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक, शरीर का प्रयोग कर रहे हैं, बट अनअवेयर है कि वो घटना से उद्वेलित होकर मेरे अंदर कोई भाव बना है जिससे मैं इस तरह का हरकत कर रहा हूँ। तो थोड़ा बैठ कर अगर देख लेंगे अपने आप में तो आपको पता लग जाता कि हाँ कुछ ऐसी बात हुई, कल हुई, पिछले 4 घंटे में हुई, सुबह से हुई, जिसने मुझे व्याकुल कर दिया है ना। अब उस व्याकुलता के साथ, उस अस्थिरता के साथ मैं इस तरह का निर्वाह कर रहा हूँ। तो अगर ये बात पकड़ में आ जाए तो फिर उस घटना का हमने अपने आप में जो अर्थ दिया है, उसका जो मूल्यांकन किया है, उस पर भी काम करेंगे। तो ये हम अभ्यास को बनाए रखें और उसके साथ हम लोग आगे भी और अभ्यास करेंगे। नमस्ते भैया। भैया मेरा एक तो ये क्वेश्चन था कि जैसे हम दिन भर कुछ जैसे करते रहते हैं, मतलब तो कुछ कोई काम है ऑफिस में या घर पे, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि जब हम सोते हैं तो वो सारी घटनाएं हमारे मतलब मन में या उसमें चलती रहती है, और हम वो मतलब नींद में भी उस सारी चीजों को मतलब रिकॉल कर रहे हैं, मतलब तो वो सारी चीजें नींद में भी हो रही है, मतलब वो हमारे मन में बैठ जाता है वो बात, तो इसीलिए वो सारी चीजें फिर से हमें नींद में वो सारी चीजें चित्रण हो रही है, ये थॉट्स हैं या कल्पनाशीलता होती है ये जब ये सोते हुए चलती है? थॉट भी है, कल्पनाशीलता तो है, तो कल्पनाशीलता का एक भाग है थॉट। कोई घटना हुई चाहे प्रिय हुई या अप्रिय हुई, ठीक है, और उसने हमारे किसी संस्कार को ट्रिगर किया, उस संस्कार से कोई भाव तैयार हुआ और उस भाव को लेकर हम विचार कर रहे हैं और वो हमारे अंदर चल रहा है, और उस विचार में हम अभी समाधानित नहीं हुए, निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे। अगर निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे तो सोते समय भी चलता रहता है, निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं तो फिर पूरा हो जाता है, ठीक है। हमको निष्कर्ष जी रूप में दिख गया कि व्यक्ति की चाहना ठीक है, योग्यता में कमी है और योग्यता को इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, निष्कर्ष निकल गया, फिर उस घटना को लेकर विचार नहीं करेंगे। परंतु यदि निष्कर्ष नहीं निकला, नहीं इसकी चाहना ही गड़बड़ है,
है ना। अब इसको लेकर हम बार 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 अपने अंदर उस विचार को फेंटते रहते हैं, करते रहते हैं बार बार, या आपको पता नहीं है कि उसकी योग्यता कैसे बढ़ेगी, तो उसको लेकर विचार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं। तो अगर ये काम पूरा हो जाए तो भाव हमको सही दिख जाए और विचार में समाधान हमको मिल जाए कि हाँ इस व्यक्ति के साथ योग्यता को बढ़ाने का ये कार्यक्रम बन सकता है, निष्कर्ष निकल जाए, हमको इच्छा के स्तर पर भाव स्पष्ट हो जाए, विचार के स्तर पर हम विश्लेषण पूरा कर पाए, विचार पूरा कर पाए, और आशा के स्तर पर निष्कर्ष निकल जाए कि हाँ ये कार्यक्रम बनता है, तो जब भी अवसर मिलेगा ऐसे ही उनके साथ निर्वाह करेंगे जिससे संबंध में पूरकता होगी, तो फिर हमको नींद खराब नहीं होगी। निष्कर्ष न निकले, उलझन होती रहे, तो फिर नींद खराब होगी। नहीं भैया, नींद तो खराब नहीं होती, जैसे कि मतलब नींद में भी हम वो सारी चीजें सोचते रहते हैं कि हाँ ये ऐसे, मतलब एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसे हुआ। अरे जो नींद के दौरान अगर चल रहा है कोई विचार, तो हाँ, फिर उसका मतलब नींद का जो गाढ़ापन है वो तो कम होगा, तो हाँ हाँ भैया, हाँ भैया। और फिर वो तो, कभी कभी क्या होता है कि डिस्कम्फर्ट में आके नींद भी खुल जाती है कि हाँ ये है ना, है ना। तो अगर डिस्कम्फर्ट है तो नींद के समय विचार चले हो तो ठीक है, बट विचार में डिस्कम्फर्ट ना हो, दुखद विचार ना हो। मैं अब तो मैं काफी चेंजेस देखती हूँ कि जैसे अब पहले मैं किसी छोटी बात के लिए ऐसे मतलब जब बहुत ज्यादा ही मतलब असहज स्थिति में चली जाती थी, पर अब मतलब जैसे ऑफिस में भी या घर पे भी कुछ ऐसी छोटी घटनाएं होती हैं तो मैं अपने आप को मतलब देख पाती हूँ कि हाँ मेरे अंदर क्या भाव चल रहा है, किस तरह से भाव चल रहे हैं, और फिर उसका क्या मतलब उसका रिस्पॉन्स हमें सामने वाले बंदे से मिल रहा है, तो ये तो काफी चेंजेस हुए हैं मेरे में। बहुत ही बढ़िया, पहली बार जुड़ी है। हाँ भैया, ये फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है। बहुत अच्छी बात है, आप इसको नियमित रूप से उस अभ्यास को बनाए रखें तो और गति मिलेगी। नमस्ते भैया। नमस्ते। यस, बढ़िया चल रहा है, सेशन बढ़िया चल रहा है, और स्वयं में स्वयं को देखना भी थोड़ा बहुत हो ही रहा है और फायदा भी हो रहा है। भैया आपसे भी दीदी की बात हो रही थी, तो आपने कहा कि जो भाव है वो संस्कार से ट्रिगर होता है जी, तो ये बना कि भाव जो है वो चित्त में होता है और विचार वृत्ति में चयन आस्वादन मन में, तो संस्कार कहाँ रिजाइड करता है, मतलब ये चित्त में ही रहता है? चित्त में ही रहता है जी। बढ़िया बढ़िया भैया। नमस्कार, ये पूछना चाहती हूँ, यदि किसी की प्रति भय है, मतलब किसी बात को लेकर भय है, तो इसमें कौन सा भाव होगा? भय का भाव है, हम किसी अविश्वास है, शंका है, भय है। अच्छा जी, कभी कभी जैसे अपने बच्चे हैं या फैमिली के मेंबर्स हैं, कुछ ऐसा उनको लेके यदि कोई चिंता हो रही है, मतलब चिंता यानी भय हो रहा है उनके प्रति, तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि कौन सा संबंध का भाव तो है उनके साथ, बट विश्वास की कमी ऐसा कुछ जी? है ना भैया, अगर संबंध का भाव है विश्वास तो कम है वहां पे। नहीं नहीं नहीं, फिर संबंध का भाव कहाँ है? अच्छा, अगर विश्वास का भाव नहीं है तो संबंध का भाव हो ही नहीं सकता जी। विश्वास जी, वही वही तो भय, मतलब अपने बच्चों के प्रति जैसे किसी बात को लेकर भय है, और या परिवार में किसी के प्रति यदि भय हो रहा है, मतलब चिंता हो रही है, चिंता भय ही कहलाएगा क्या? चिंता को हम भय बोलेंगे क्या? अब इन सब चीज को स्टडी कर सकते हैं, किसी को प्रयोग करते हैं, तो चिंता का मतलब कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए उसको लेकर चिंता होती है, ठीक है ना? और उसके साथ भय जुड़ा रहता है कि हो गया तो मेरा क्या होगा, शरीर का क्या होगा, संबंधों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। जी 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 जी, जैसे स्वास्थ्य को लेकर भी होता है, पर वहाँ विश्वास भी है, संबंध का भाव भी है, पर फिकर होती है, चिंता होती है, तो उसी में मैं पूछ रही थी। हालांकि मुझे मालूम था कि यहाँ तो संबंध तो है, पर उसको क्या कहेंगे, कौन से भाव में है, यही समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, तो संबंध है मतलब हम जुड़े हुए हैं, बट संबंध का भाव ही पुष्ट नहीं हुआ, इसकी संभावना हो सकती है, चाहना पे शंका बनी हुई है, इसकी संभावना हो सकती है। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया दीदी, बढ़िया। तो हम लोगों ने मॉड्यूल 1 कंप्लीट किया, मॉड्यूल 1 में हमें पूरे कोर्स का परिचय लिया,
और मॉड्यूल 1 के लेक्चर 6 में हमने समाधान के पूरे स्वरूप को देखा। वहां से अब हम आगे देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। तो ज्ञान क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे लेक्चर 7 में। जी, तो इस पूरे मॉड्यूल में हम लोग मानव को समझने का और उसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। लेक्चर 7 में ज्ञान क्या है इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। जी भैया, नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा। तो ये हमको दिखता है कि मानव की जो चाहना है निरंतर सुख है। ये भी दिखता है कि समृद्धि का जो भाव है इस निरंतर सुख के ही भाव का भाग है। और निरंतर सुख ज्ञान समाधान से पूरा होता है। तो समाधान का मतलब सही भाव सही विचार, उसको समाधान कहा। तो ज्ञान से समाधान होता है। अब इस समाधान को अगर हम फैलाते हैं, समाधान के पूरे स्वरूप को देखते हैं, जी एक बार क्लिक करिएगा, तो उसके आधार पर दिखता है कि ज्ञान, ज्ञान से विवेक, विवेक से विज्ञान, विज्ञान से व्यवहार, उससे कार्य, उससे व्यवस्था में भागीदारी, उससे अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा, ये पूरा एक क्रम दिखाई देता है। और जो हमारे विवेक में तय हुआ उसका हम देखते हैं कि मानवीय परंपरा में वही फलित हुई कि नहीं। तो समाधान का ये मतलब है, पूर्णतया समाधानित होते हैं अगर हम एक एक इकाई के बारे में ज्ञान को लेकर स्पष्ट हो पाते हैं और उसके साथ जीने की पूरी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर सुख पूर्वक कैसे सुनिश्चित होगी इसको अपने आप में देख पाते हैं। इससे कम में कहीं भी रुकते हैं तो हमारे अंदर शंका भय बना रहता है। तो अगर हमको स्पष्ट नहीं हुआ है ना, हमको लगता है ठीक है हमारी पीढ़ी को ठीक जी जाएगी, अगली पीढ़ी कैसे जीएगी, इसको लेकर फिर कहीं ना कहीं हम विचारों में उलझेंगे। तो समाधान का मतलब पूरा स्पष्ट हो जाए, मेरा सुख हर व्यक्ति का सुख, मेरे अंदर समृद्धि का भाव, हर व्यक्ति के अंदर समृद्धि का भाव, पूरी मानव परंपरा के लिए निरंतर सुख पूर्वक जीने का कार्यक्रम की स्पष्टता, समाज में मानव लक्ष्य की स्पष्टता, उसकी पूर्ति की स्पष्टता, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी पूर्ति की स्पष्टता, ये सारा कुछ हमारे में सुनिश्चित होता है और सारा मुझे ही होना है। तो मेरी ही आवश्यकता है और मेरे में ही ये काम होना है, मेरे में ये स्पष्टता बननी है, मेरी ही क्रियाओं में स्पष्टता बननी है। तो एक तरह से देखें तो ये काम तो बहुत सिंपल है कि स्वयं में ही सारा काम होना है, परंतु जब इसको पूरा करने जाते हैं इसमें फैल कर जीना बनता है, इसमें फैल कर जीना बनता है ना। तो जितना जितना हम अखंड समाज में भागीदार होते हैं, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार होते हैं, मानवीय परंपरा के लिए हम निष्ठा के साथ जुड़ पाते हैं, काम कर पाते हैं, उतना उतना हमारे अंदर ज्ञान का काम भी पूरा होता है। तो ज्ञान भी ऐसा नहीं कि कमरे में बैठे बैठे हमको पूरा हो जाएगा, इसके लिए हम स्वयं में जांचते हैं इन चीजों को, फिर उसको जी कर देखते हैं, और जब हम जी कर देखते भी हैं तो पूरी परंपरा के अर्थ में जीते हैं। तो ये काम स्वयं में होना है, स्वयं के द्वारा होना है, ये पूरे समाधान की स्पष्टता है। तो अभी हम लोग ज्ञान को लेकर बात करेंगे, ज्ञान का अर्थ क्या है, 3.1 पे देखें तो ज्ञान की बात हो रही है। तो ज्ञान विवेक विज्ञान ये स्वयं में ही दिखने वाली बात है। व्यवहार कार्य भागीदारी जब कर रहे हैं तो इसमें शरीर की भी भागीदारी है, और जब हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा के लिए काम कर रहे हैं तो ये और लोगों के साथ जुड़कर होने वाला काम है। तो ये स्पष्टता तो स्वयं में होनी है, बट यदि हम इसको अलग अलग करके देखें कि कितना काम स्वयं में होना है, कितना काम शरीर के साथ जुड़कर होना है, कितना काम अन्य लोगों के साथ या अन्य इकाई के साथ जुड़कर होना है, इस प्रकार से दिखाई देगा। इतनी बात स्पष्ट हो तो अच्छी बात है, अगर इसने को लेकर यदि कोई प्रश्न बनता है तो रख सकते हैं। भैया ये जो काम बोल रहे हैं कि शरीर के साथ जुड़कर करने वाले काम, इसका कोई एक अगर उदाहरण रखते हैं आप जी, फिर से बताइएगा आवाज। शरीर के साथ जुड़कर करने वाले काम, एक्टिविटी जो है, जो जिसमें बॉडी और व्यवहार है, कार्य है, व्यवहार कर रहे हैं दूसरे मनुष्य के साथ, तो शरीर के साथ जुड़कर ही करेंगे। अच्छा, तो जो एक्सप्रेशन है विद द बॉडी, ठीक ठीक है। ज्ञान स्वयं में सुनिश्चित होगा है ना, विवेक स्वयं में सुनिश्चित होगा, विज्ञान स्वयं सुनिश्चित होगा, बट व्यवहार में तो दूसरे व्यक्ति की अनिवार्यता है, ये शरीर की अनिवार्यता है। व्यवहार जब भी करेंगे तो शरीर के साथ जुड़कर ही करेंगे जी। तो
ज्ञान का मतलब है टू सी द रियलिटी एज इट इज इट्स कंप्लीटनेस, जो वस्तु जैसी उसको वैसा देखना संपूर्णता में। क्या मतलब हुआ इसका? तो स्वयं में हम लोगों ने ब्लॉक B1 की बात की थी, तो हमारे में चिंतन सुनिश्चित हो जाए, बोध सुनिश्चित हो जाए, अनुभव सुनिश्चित हो जाए, तो मैं रियलिटी को वास्तविकता को जैसा वैसा देख पाता हूँ। तो चिंतन बोध अनुभव क्रिया जागृत होने को ही ज्ञान कहा, और इससे स्वयं में एक आश्वस्ति बनती है। जी एक और हैंड रेज है। नमस्ते भैया जी, कल का थोड़ा हादसा मुझे विचलित कर रहा है, तो मेरा प्रश्न ये था कि कल मैं एक्चुअली हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरा बड़ा बेटा जो है वो उसने हम लोग मतलब जैसे वो कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं है, पर उसे पता है कि कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं है, और कभी कभार पी लो जैसे 2 महीने में 3 महीने में एक बार पी लो तो इट्स ओके मम्मा कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरा शरीर रिकवर कर लेगा। पर हम उसे समझा समझा के थक गए, नहीं बेटा एक बार में भी आपकी बॉडी में जो डैमेज होगा वो रिकवर नहीं हो पाएगा। बट उसने पी ली ले ली और मतलब रिलेटिव्स क्या थी हमारे यहाँ हम तो पीते नहीं है, तो वहां से उसने ले ली और बहुत जिद करता रहा, हम लोग तो पूरे रास्ते रोकते रहे, लेकिन फाइनली जब उसने देखा कि मम्मी पापा का ध्यान हट गया तो उसने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली, और मुझे इतना बुरा फील हुआ, लेकिन ठीक है मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। बाद में उसे भी लगा कि हाँ ये ठीक तो नहीं है, पर ठीक है उसे उसने फिर भी पी ली वो। तो इस घटना को मैं किस तरह से लूं मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा। तो देखिए उसको स्पष्ट नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक पीना है तो क्यों पीना है, नहीं पीना है तो क्यों नहीं पीना है। तो कोई स्वाद के लिए एक आशा बनी हुई है कि स्वाद मिलना है, उसके पीछे उसने बहुत सारा विचार भी किया होगा, कहीं स्वाद से छुट्टी होने का भाव भी बना हुआ है, तो बच्चे ने उसको पी लिया। अभी तक हम उसको रोक रहे हैं ठीक है ना, और सिंपली इतना करें कि शरीर डैमेज होगा तो ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शरीर थोड़ा बहुत डैमेज भी हो जाए तो क्या हुआ, स्वाद तो मिला सुख तो मिला नहीं, तो बच्चे को क्लियर नहीं है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हम कुछ बात कहें और बच्चा उस समय उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहा, हो सकता हम जो बात कह रहे हैं उसमें भी सेल्फ एक्सप्लोरेशन ठीक से इंश्योर नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं कोई प्रिस्क्रिप्शन जा रहा है कि ऐसा नहीं पीना चाहिए, पीना गलत है ना, नहीं पीना है, यहाँ निर्देश दे रहे हैं कि नहीं पीना है, तो उसके कारण बच्चे को पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही, और बच्चा अभी निरंतर सुख का क्या आधार होगा ये भी देख नहीं पा रहा, तो अभी वो टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए स्वाद से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हम बहुत अगर इंसिस्ट करेंगे तो भी बहुत ठीक नहीं है ना, एक दो बार अगर पी भी ले रहा है तो ठीक है, पी लिया उससे हम बहुत परेशान भी नहीं होंगे। उसे जैसे समझ तो आता है कि ये खराब चीज है, क्योंकि जैसे अगर कभी हम लोग बोलते जाओ खा लो अच्छा बाहर का खाना है, तो बोलते नहीं मम्मा बाहर का नहीं खाना, मुझे एक आध दिन वर्ड उसने मतलब ले लिया है कि एक आध बार खाने से कुछ नहीं होता, मैं रोज थोड़ी ना खा रहा हूँ, रोज खाने उसे ये भी पता है कि रोज खाने से मेरा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, तो रोज वाला तो कभी नहीं बोलेगा, लेकिन एक दिन भी क्यों वो हो रहा है, जब अपन समझा रहे तो वो चीज नहीं हो रही मुझे। हाँ तो ये हुआ ना कि अभी जो आपने कारण बताया वो शरीर के अस्वस्थ होने को, तो कह रहा है कि भाई एक दो बार अगर खा भी लेंगे तो शरीर अस्वस्थ नहीं होगा, तो बात तो ठीक कह रहा होगा कि एक दो बार खा भी लेंगे तो शरीर अस्वस्थ नहीं होगा, तो वहां पे जाके वो रिजॉल्व नहीं होगा। ये जो स्वाद से सुखी होने की आशा बनी हुई है इसको रिजॉल्व करना होगा, इसमें तो हम सबको टाइम लगते हैं कि नहीं, जब तक दिखाई तो हम शरीर से सुखी होने का प्रयास करते ही, तो बच्चा आकर कुछ पीकर कर रहा हो सकता है, हम कुछ सुनकर कुछ देखकर कर रहे हो सकते हैं, तो इसमें तो हो सकता है हमारी भी अभी गति शेष है, हमें भी अपने आप में गति करनी है, हमको भी ध्यान देना है, हो सकता है हम भी हमको जी जी संवेदना पाकर सुखी होने का प्रयास करते ही जी। अच्छा है ना, बच्चा कोल्ड ड्रिंक खाकर या बाहर की कोई कोल्ड ड्रिंक पीकर या बाहर कोई चीज खाकर सुखी होने का प्रयास कर रहा है, हम हो सकता है कोई म्यूजिक सुनकर कोई मूवी देखकर किसी और प्रकार से सुख होने का प्रयास कर रहे हैं, कोई अनुकूल समझ ना पाकर, तो जब तक सुख का स्रोत स्वयं में न दिखाई दे तब तक हमारी बाहर की निर्भरता तो बनी रहती है ना, और बच्चा इतनी जल्दी निकल भी नहीं पाएगा है ना, हम सबको समय लगता है, तो इतनी वार्ता तो रखेंगे ही, अदरवाइज हम बहुत अगर उसको अपने किसी शब्दों के दबाव से या किसी प्रकार से उसको रोक भी लेंगे और उसका मूल्यांकन अगर पूरा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो संबंध में बाधा बनेगी। कभी कभी अगर वो इस तरह से कर रहा है तो अपन उसको विरोध में ना जाए, ये मैं सही बोल रही हूँ भैया जी? कभी कभी अगर कर रहा है उसको कह रहा है कि इससे शरीर खराब नहीं होगा तो ठीक है, सो कंटिन्यू करने, जब उसको लगेगा कि इससे शरीर खराब हो रहा है
उसको इतनी अवेयरनेस है कि शरीर को खराब नहीं करना है, तो खुद ही निर्णय ले लेगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। बढ़िया जी भैया, नमस्ते। ये आपने बहुत अच्छा मेरे को गाइड किया था कि बारीक देखने का है, तो पिछले कई दिन से मैं अपने को बिल्कुल मतलब ध्यान अपनी तरफ ही दे रहा हूँ। और पहले जैसे बाहर से भाव पाने का वो अच्छा लगता था, अब धीमे धीमे वो भी तिरोहित होता जा रहा है। तो मतलब ऐसा लगता है कि अपने ऊपर अभी और काम करने का है, और बीच बीच में थोड़ा मार्गदर्शन लेते रहेंगे। जर्नल लिखने वाला जो कार्यक्रम है ना, अपने ऊपर ध्यान रहता है, बार बार सजग होते हैं, वापस लौट के आते हैं, लेकिन वो लिखने वाला जो कार्यक्रम है वो अभी तक प्रक्रिया बन नहीं पाई है। जो भी है वो उसको बना ले, अच्छा रहेगा। जी जी, बहुत ही बढ़िया भैया। क्योंकि जड़ और चैतन्य के बीच में डिफरेंस भी पता है, चैतन्य जड़ को देख रहा है, दृष्टा भाव से भी देख रहा है, और आंकलन भी कर रहा है, मूल्यांकन। अपने को ठीक ठीक समझ में भी आता है कि यहाँ करेक्शन की जरूरत है, मतलब मेंटरशिप की भी जरूरत है, और स्वतः ही अपने ऊपर प्रयास करना है, ये भी क्लियर है। जी भैया, बहुत ही बढ़िया भैया, आप इस उम्र में इतनी निष्ठा तत्परता से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ही। हाँ भैया, नमस्कार भैया। तो मैं कह रहा था, तो जब मैं वास्तविकता को देखता हूँ तो वास्तविकता के 5 आयाम मुझे दिखाई देते हैं, उसका रूप, गुण, स्वभाव, धर्म और सहस्तित्व। तो रूप का मतलब है कि उसका आकार, आयतन, घन, इसको रूप कहा। तो किसी भी काय को जब देखते हैं तो उसके 5 आयाम को देखा जा सकता है। तो रूप का मतलब उसका आकार, आयतन, घन। जैसे शरीर को देखें, शरीर का एक रूप है ना, एक आकार है, उसका एक जगह ऑक्यूपाई करता है, और उसकी अपनी एक डेंसिटी भी है। गुण को देखें तो गुण का मतलब है परस्परता में प्रभाव। जैसे शरीर का दूसरी इकाइयों पर प्रभाव, दूसरी इकाइयों का शरीर पे प्रभाव, तो इसको गुण कहा। स्वभाव, तो जो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है उसको स्वभाव का, यानी संबंध। तो कैसे मेरा शरीर दूसरी इकाइयों से संबंधित है, इसको हम देख सकते हैं। वैसे शरीर का धर्म, शरीर स्वयं में व्यवस्था क्या है, इसको देख सकते हैं। और शरीर किस प्रकार सुनने में संपृक्त है, सहस्तित्व में, इसको देखते हैं। तो किसी भी इकाई की बात करेंगे तो उसमें ये 5 आयामों पे बात करने की जरूरत है, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म और परम धर्म, यानी सहस्तित्व। तो अगर आप रूप गुण को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपका शरीर है, इसके रूप में परिवर्तन हो ही रहा है। गुण है, इसमें भी परिवर्तन है। तो शरीर का जो अन्य इकाइयों प्रभाव है, अन्य इकाइयों का जो शरीर पे प्रभाव है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। और आप पाएंगे कि इसमें वैरायटी है, एक तरह के वस्तु का एक तरह का प्रभाव होता है, दूसरी तरह के वस्तु का दूसरी तरह से प्रभाव होता है, तो इसमें वैरायटी है। तो एक तो ये इतनी वैरायटी है इसमें, है ना, कि हर इकाई के साथ इसके प्रभाव का अध्ययन करना पड़ेगा। हम खाना खाते हैं तो दाल का प्रभाव शरीर पे क्या है, चावल का प्रभाव शरीर पे क्या है, पानी का प्रभाव क्या है, नमक का क्या है, तेल का क्या है, ये पूरी वैरायटी है। हर तरह के इकाई का शरीर पे अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ रहा है, और वो प्रभाव बदलता भी रहता है। किस समय वो तेल आपको सूट कर रहा है, कभी तेल सूट नहीं कर रहा, कभी नमक सूट कर रहा है, कभी नमक सूट नहीं कर रहा, कभी दाल सूट कर रहा है, कभी दाल सूट नहीं कर रहा। एक उम्र है तब तक दाल लगता है कि शरीर के लिए है ना ऊर्जा का स्रोत है, एक उम्र के बाद पता चला कि उससे शरीर में कुछ जमावट, कुछ जमने लगा है ना, कुछ विकार उत्पन्न होने लगा है। एक समय के बाद कहते हैं भाई दाल इस समय ना खाओ, अब मत खाओ, तब मत खाओ। वैसे ही बुखार है तो एक तरह का प्रभाव बन रहा है, बुखार नहीं है इसी तरह का प्रभाव बन रहा है। शरीर स्वस्थ है एक तरह से, शरीर किसी और कारण से अस्वस्थ है उसी तरह से, इसे पूरी वैरायटी आपको दिखाई देगी। तो अलग अलग इकाइयों का अलग अलग तरह से प्रभाव बन रहा है, और वो प्रभाव भी समय के साथ बदल रहा है। शरीर की जैसी स्थिति है उसके अनुसार प्रभाव बन रहा है। तो रूप भी बदल रहा है, गुण भी बदल रहा है ना। तो इसमें आप पाएंगे कि वैरायटी है और एक चेंजिंग है, इसलिए ज्ञान की वस्तु नहीं है। तो ज्ञान की वस्तु क्या है, ज्ञान की वस्तु है जिसमें निश्चितता है।
इसमें निश्चितता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है। तो अगर हम शरीर के स्वभाव को देखें, शरीर प्राणावस्था की इकाई है, उसका एक निश्चित स्वभाव है। तो परस्परता में प्रभाव भले ही बदल रहा है, और उस प्रभाव के आधार में जो स्वभाव है, जो संबंध है, वो एक प्रकार से बना हुआ है। तो शरीर का क्या स्वभाव अगर उसको देखें तो संगठन ये सारक मारक के रूप में है। तो शरीर एक प्राणावस्था की इकाई है, कोई इकाई को वो है ना पुष्ट करता है, किसी इकाई को शुष्क करता है, तो एक सारक मारक के रूप में बना हुआ है। उसको हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसको संक्षेप में बताएं तो अगर जैसे हम कोई चीज शरीर में डालते हैं, हमने भोजन डाला, हमने साग खाया, शरीर में डाला, तो शरीर उसके अंदर जो भी रस है उसको सोखता है, तो वो साग जो है वो तो सूख गया, ठीक है ना, तो शरीर उसके लिए मारक हुआ, और वो साग शरीर के लिए सारक हुआ, शरीर को उसने पुष्ट किया, तो वो साग शुष्क हुआ और हमारा शरीर पुष्ट हुआ। तो आप पाएंगे कि प्राणावस्था की कोई भी इकाई हो, इसका जो स्वभाव इसी रूप में बना रहता है, सारक या मारक के रूप में। इसको जाना जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। वैसे शरीर की स्वयं में एक व्यवस्था बनी हुई है, देखते हैं तो दिखता है कि ये सारे अंग एक निश्चित प्रकार से काम कर रहे हैं, हर कोशिका, हर अंग प्रत्यंग सब निश्चित प्रकार से काम कर रहे हैं, आपस में इतने अच्छे समन्वय चल रहा है। तो शरीर अपने आप एक व्यवस्था बनी हुई है, हमको इसको व्यवस्था को बार बार बनाना नहीं पड़ता, बल्कि उसको समझना होता है, इसके अनुसार सुविधाओं की पूर्ति करनी होती है। तो शरीर की अपने आप में एक व्यवस्था बनी हुई है जिसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और शरीर को समझने के आधार पर पूरे प्राणावस्था की ही व्यवस्था को समझा जा सकता है, स्वयं में व्यवस्था कैसी। वैसे शरीर को समझने के आधार पर पूरे प्राणावस्था की ही स्वभाव को समझा जा सकता है किस प्रकार से। फिर ये भी देख सकते हैं शरीर किस प्रकार शून्य में बना हुआ है ना, और जब यहाँ पे देखते हैं तो दिखता है कि हर इकाई किस प्रकार शून्य बनी हुई है, इसको भी देखा जा सकता है। तो ये ज्ञान की वस्तु है। तो जो स्वभाव है वो चिंतन की वस्तु है, जो धर्म है यानी स्वयं में व्यवस्था है ये बोध की वस्तु है, और जो सहस्तित्व है ये अनुभव की वस्तु है, और इसमें निश्चितता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है। जब ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान का मतलब ये कि स्वभाव को देख पाना, धर्म को देख पाना यानी व्यवस्था को देख पाना, सहस्तित्व को देख पाना, ये ज्ञान की वस्तु है। तो ज्ञान का मतलब हुआ कि किसी भी इकाई के एसेंस को देख पाना, उसके तत्व को देख पाना। तत्व में क्या है, तो इसका स्वभाव है, धर्म है यानी व्यवस्था है, सहस्तित्व है, और इसमें दिखाई दिया कि यही है जो निश्चित है, निरंतर है, यूनिवर्सल है। तो अगर हमने प्राणावस्था की किसी एक इकाई के भी स्वभाव को, व्यवस्था को, सहस्तित्व को अगर देख लिया, पूरा देख लिया, तो पूरी प्राणावस्था हमको समझ जाती है। पूरी प्राणावस्था का स्वभाव किस प्रकार है, व्यवस्था किस प्रकार है, ये हमको दिखाई देता है। और वैसे अगर सहस्तित्व की बात करें तो पूरी प्रकृति को ही देखना बनता है। तो जब हम स्वभाव को देखते हैं तो अवस्था के अनुसार देखते हैं, चिंतन में देखते हैं। जब व्यवस्था को देखते हैं तो उसको भी अवस्था के अनुसार देखते हैं, बोध में देखते हैं। पर जब सहस्तित्व को देखते हैं तो संपूर्ण प्रकृति किस प्रकार शून्य में संपृक्त है, इसको देख पाते हैं। ये ज्ञान की पूरी वस्तु है। तो इसी रूप में तो हम लोग इस कंटेंट से थोड़ा बहुत परिचित है, क्योंकि हम लोगों ने जब सेल्फ के डायग्राम को ओपन किया था और ब्लॉक B1 को ओपन किया था तो वहां ये शब्द लिखे थे कि संबंध को लिखा था, व्यवस्था को लिखा था, सहस्तित्व को लिखा था। नहीं, अब उसको हम लोग यहाँ से भी देख रहे हैं। तो अभी संबंध, व्यवस्था, सहस्तित्व की बात हुई थी, रूप और गुण की बात बहुत विस्तार से नहीं हुई थी, तो अब इस पर भी बात करेंगे, है ना जी। इस समय कितना है, 2 मिनट ही है। यदि इसको लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। नमस्ते भैया जी। भैया, नमस्ते। ये पूछना था कि जैसे इसमें हर यूनिट को हमें समझना है ना, जैसे ऐसे यूनिट तो बहुत सारी हैं, जैसे मतलब प्राण अवस्था की बात करें तो पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, है ना, और कुछ ऐसे छोटे जो जीव जंतु हैं वो भी प्राण अवस्था में ही आते, तो इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे कहाँ तक समझेंगे अपन, मतलब इस तरह से कंफ्यूजन बन रहा था जी। तो अभी जो मैं कह रहा था ना कि जब स्वभाव को देखते हैं तो पूरी अवस्था का ही स्वभाव दिखाई देता है। तो भले अपने शरीर से देखना शुरू करें, बट शरीर को देखते हुए पूरी प्राणावस्था समझ में आती है। तो पूरी प्राणावस्था का स्वभाव समझ में आता है यानी चिंतन में आता है,
उसका स्वयं में व्यवस्था क्या है ये बोध में आता है। तो अगर हम देखें तो ज्ञान की वस्तु ऐसे तो लगता है बहुत फैली हुई है, इतनी सारी इकाइयां हैं कैसे होगा, बट अवस्था के रूप में देखते हैं तो चार अवस्थाएं हैं। तो अगर उसको ठीक से आर्टिकुलेट करें तो चारों अवस्थाओं का स्वभाव दिखना, चारों अवस्थाओं का व्यवस्था यानी धर्म दिखना और पूरी प्रकृति का अस्तित्व दिखना, ये नौ मुद्दे हैं। तो देखने के लिए तो निश्चित बात है कि चारों अवस्थाओं का स्वभाव दिख जाए, चारों अवस्थाओं का धर्म दिख जाए और पूरी प्रकृति का इस प्रकार शून्य में संपृक्त होना है, यानी जो सहसित्व है वो दिख जाए, तो ये नौ ही मुद्दे हैं। तो हमको ऐसा नहीं कि हर इकाई को एक एक करके देखना होगा उसका स्वभाव क्या है। तो कोई पदार्थावस्था की इकाई है तो उसके स्वभाव को देख लिया, पूरी पदार्थावस्था स्पष्ट हो गई। प्राणावस्था की इकाई है उसके स्वभाव को देख लिया, पूरी प्राणावस्था स्पष्ट हो गई। बट जो देखने की शुरुआत है वो हम मैं से कर पाएंगे तब तो इन चीजों को देख पाएंगे। तो मैंने उदाहरण लिया शरीर का, परंतु देखने की शुरुआत हम मैं से कर पाते हैं तभी हमको मैं और शरीर का अंतर समझ में आता है, तभी मैं का भी स्वभाव क्या है, धर्म क्या है, अस्तित्व क्या है, ये समझ में आता है और तभी है ना अन्य इकाइयों के बारे में भी स्पष्टता बनती है। स्पष्ट हो गया, क्या समय हो चला है, इसको हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।